भाई वाह, तने देख के एक बात याद आ गई। एक बार एक घना काला, इतना काला डाकी के मुंह पे पसीना जनू लागे जनू गाटर पे वो कर रखा है। अब उसका पिताजी भी उतना ही काला, दोनों बराबर काले बेचारे। अब दोनों बारात में चले गए। अब बारात आ गया के ठेठ पहुंच गई, काला नाचण ते नहीं था, मैं घना नाचे। लुगाई जो है वे दुल्हे न कम देखा, काले न घना देखा, देख काला खीसा मस्त आ रहा है। और कति दूर तक काला काला नाचता भी शाला गया जनू मीटर फूक रहा है और घना नाचे। लुगाई घनी देखे। अब एक लुगाई ने वो काला बुलाया, नु काले ओ काले नु खा नु काटया। अब काले तो पहले उसका पिताजी भी बगल में नाचा था, वो चला गया, सोचा बिना के कहे जाकर उस लुगाई तेनू क्यों चौधरण छोरा घना पसंद आ गया के। वह लुगाई बोली ना चौधरी साहब पसंद के आ गया, वह हमारी भैंस को पाडो मर्रो सैन दे के दूध दे देगी। एक बार एक ईश्वर के भाई का ब्याह होया। अब ब्याह हो पाछे वो कमरे में भीतर बैठे। अब शर्माता और तो कुछ बोल लेना, न्यू कहे नुकाए अपनी बहुत है, नुकाए तू इतनी सुथरी, इतनी सुथरी मैं तने के कह दूं। अब इसका पिताजी बाहर खाट कमरे का बाहर खाट गाले सोचा सोचा कि मैं मतलब सुनाएंगे के बात हो है के ना। थोड़ी देर में फिर बोला, नुकाए तू इतनी सुथरी, इतनी सुथरी मैं तने के कह दूं। अब वह बिचारी शर्मावती बोले निरतड़के के चार बजा दिया, लाग रहा नू नू कहन नुकाए। ये एक हकीम जी हो, एक वैद्य जी जिसका नाम था लुकमान। लुकमान एक ऐसा वैद्य था, ऐसा हकीम था, उस पर सारे मर्जा की दवाई थी, चाहे किसा भी रोग हो सारे मर्जा की दवाई थी, बहम की दवाई नहीं थी। एक आदमी ने अपनी घराली पर बहम हो गया तो बाहर ड्यूटी कराया करता। एक दिन घर फोन कराया, घरवाले ने फोन उठाया, उठाते बोला निकित है। अब उसकी घराली बोली जी मैं तो घर हूँ। बोले अच्छा घर है, के सबूत है, मिक्सी चला कर दिखा। अब उसकी घराली ने खर देसी मिक्सी चला दी, बोले हाँ हो गया एतबार। दूसरे दिन फिर फोन कराया शाम ने, फोन करके ने बोला कित है। वहाँ बोली जी घर, बोले मिक्सी। फिर मिक्सी चला दी खिर देसी, दो दिन हो गए मिक्सी चलते। अब उसने सोची उन्हें पकड़ में नहीं आओगी। तीसरे दिन घर जाकर धप्पा मारा, घर आ गया। अब उसका बेटा बाज का आया, बोले पापा आ गए, पापा आ गए। बोले बेटा पापा तो आ गए, बता तेरी मम्मी कित है। वो छोरा बोले पापा मम्मी, मम्मी ने तो दो दिन हो गए मिक्सी लेगा, फिर ना कित गई। ऐसा भी हो जाता है। अरे सासू इकट्ठी होकर हरिद्वार गंगा नहाने जाती। अब रास्ते में वो सिस्टम ऐसा होया, वो सास वाली बस पलटी गई, सारी सासू खत्म। अब गांव की जितनी भी बहू थी सारी हुई माचरी, सारी रोए। दो घंटे हो गए, दो घंटे रोई, दो घंटे रोकर सारी चुप होगी। एक बहू सब तक ना रोए, चुप ही ना हो। अब उसके बगल वाली गई जाकर मार का कूणी नुकाए बाण, सासू तो मारी भी मरी है, तेरी सासू के सोने की थी, तू चुप ही ना होती। और रोती रोती नू बोली बाण मैं नू ना रो, मेरी सासू मर गई। बोला और बोल मैं नू रो सुख, मेरे लिए घर छोड़ दिया, इनके साथ भेज देती वे की बिरांत कट जाती। बेरा निश्ता नू कहनू को ओ पिया जी, ओ पति देव, तेरे ते मैं घना प्यार करूं हूँ, तेरे बिना रोटियां एक टूक भी ना तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेके देख। माँ वो साढ़े दिन घर तक बाहर गया, घरवाले ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया, दाऊ खीर बनाई, और आन में जान बूझ के लेट हो गया। अरे लेट होके के काम करया, घर का जो मेन दरवाजा चौखट होया कर उसमें टांग फंसा के और जीभ काट के उल्टा लटक गया, जनू मर गया हो। घरवाली बाहर आई, हाथ उथ लगा के देखा, नु गए यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया, किसका क्या कर गया, चल वह खीर ठंडी हो रही है। खा पी का बाहर आई, आकर रोन लगी, नु गए बर्बाद होगी, रांड होगी। अब पड़ोसी आगे सुन के वे बोले अरे के हो गया, नु क्यों मर गया, नु मर गया तो चल इसने फूका होंगे। अब एक बोला भाई इसी टांग जो है चौखट में इस तरीके से इस डाल फंस रही है, के तो ये चौखट पाड़ी जा, अरे के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नू को सियाना चौखट कुण लगवा होगा, टांगा नहीं कतर दे। अरे लटका लटका सोचा रांड करेगी काम छोटा को ना। अब इतनी देर में एक सियाना सा बूढ़ा था, वो बोला तेरा पति था, तेरे आधे अंक का साजी था, यो तो मर गया। पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इस तक कान में प्यार के दो बोल तो बतला ले। जाऊं सुजा का कान में नू को पिया जी, ओ पति देव आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो, आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो। वो कुण समर रहा था, काट कटांग होकर सीधा नु खीर तो खागी, लपालप थोड़ो चूरमो भी चखो।